हेलो, आई एम डॉक्टर कनिका शर्मा सूद, डायरेक्टर एंड क्लिनिकल रीड रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एट धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल. टुडे आई विल शेयर विद यू 7 टिप्स टू फॉलो ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट. वी ऑल नो दैट कैंसर ट्रीटमेंट इज़ वेरी डिमांडिंग एंड देर आर लॉट ऑफ मिथ्स सराउंडिंग हाउ यू शुड गो अबाउट द ट्रीटमेंट. Anybody who is going through cancer treatment should follow certain routines, and there are 7 tips which I am sharing today to do so. First of all, your nutrition and your diet is the backbone of your treatment. Have adequate amount of proteins in your diet. Proteins are bodybuilding foods. They will ensure that you are able to sustain the treatment. Hydration. The second tip is to keep yourself hydrated. If you are having adequate amount of fluids, it is likely that you will be able to fight fatigue and tiredness which is induced by the cancer treatment. Hygiene. Maintain a good hygiene, because anybody who is going for cancer treatment is immunocompromised. बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम होती है, तो अपने आप को बीमारियों से बचाने के लिए हाइजीन अच्छी रखना इम्पॉर्टेंट है. टू मेंटेन दी हाइजीन, माउथ वॉशेस करिए, हाथ साफ रखिए, अच्छे साबुन से रेगुलर बात लीजिए. अपनी हाइजीन मेंटेन रखेंगे तो इन्फेक्शंस कम होंगी. फोर्थ थिंग इज़ टू फॉलो द रेजिमेन विच योर डॉक्टर हैज़ गिवन. आप अपनी दवाएं समय से लीजिए. खाने से पहले क्या लेना है, खाने के बाद क्या लेना है, डॉक्टर से सही से समझिए. आपको अपनी प्रिस्क्रिप्शन समझ आनी चाहिए, तभी आप समय से उसको ले पाएंगे. सो फॉलो व्हाट द डॉक्टर हैज़ रिटन ऑन योर पेपर. टिप नंबर 5, फॉलो द प्रोटोकॉल ऑफ सर्विलेंस. अगर आपका इलाज चल रहा है, डॉक्टर आपको कुछ कुछ समय पे दिखाने के लिए बुलाएंगे. समय पे उन्हें दिखाइए और अपनी समस्याएं बताइए. हेजिटेट नहीं करिए. इफ़ यू हाइड योर कंप्लेंट्स, योर डॉक्टर विल नॉट बी एबल टू गिव यू फुल सॉल्यूशंस. छोटी से छोटी समस्या भी मेजर हो सकती है, इसलिए डॉक्टर को बताना आवश्यक है. टिप नंबर 6, फॉलो द ट्रीटमेंट शेड्यूल रिलीजियसली. जो दवाइयों के शेड्यूल होते हैं वो बहुत रिसर्च के साथ बनाए जाते हैं. अगर किसी कीमोथेरेपी का शेड्यूल 3 हफ्ते पे बताया गया है तो समय पे लीजिए. ये नहीं करना है कि 3 का 4 और 4 का 5 करें, क्योंकि जैसे ही आप शेड्यूल से हटेंगे दवाइयाँ असर कम करेंगी और ठीक होने की गुंजाइश कम हो जाएगी. एंड टिप नंबर 7, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हैव फेथ इन द डॉक्टर, इन ऑलमाइटी एंड योरसेल्फ, दैट यू कैन फाइट दिस कैंसर. थैंक यू.